हत्या आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाना प्रभारी से मिले मृतक के परिजन। गोंदर गांव में बीते कई दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में नहर के पास अचेत मिले युवक सोनू के उपचार के दौरान रोहतक पीजीआई में मौत होने के बाद मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन थाना प्रभारी से मिले। उन्होंने SHO रामपल से बातचीत कर मामले में नामजद सभी हत्या आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की जा रही। सर क्या कहना चाहेंगे? कार्रवाई नहीं की जा रही है जी, और पिछले 4 दिन से उनको गिरफ्तार कर रखा है और अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं है, न इसको पेश किया गया है। हमें खाली आश्वासन दे रहे हैं कि पेश करेंगे। अब तक हवालात में भी ना लगे इनको, कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही प्रशासन की तरफ से, और मेरे ऊपर जबरदस्ती प्रेशर बनाया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि उसे राजीनामा दिया जाए, उसको गलत साबित किया जाए। केस ये केस नहीं है, मेरे घर से खुद अगवा किया गया घर बच्चे को। पहले प्रशासन बोल रहा था कि इसकी गवाही लेंगे, मेरे भाई की सुनोगे, गवाही लेंगे उसके बाद हम एक्शन लेंगे। कुछ गवाही के दौरान उसमें कोई गवाही की उसमें था ही नहीं कि गवाही दे सके, बेहोशी की हालत में पड़ा था वो, और बेहोशी की हालत में उसकी मौत हो गई है, और अब भी कोई प्रशासन एक्शन नहीं ले रहा है खिलाफ। मुझे पूरी तरह से इंसाफ मिले मेरे भाई की आत्मा को, ताकि शांति मिले और इन्हें एक सजा मिले पूरी। जी ये जो गांव में झगड़ा होने पर हमें सूचना प्राप्त हुई थी, जो हॉस्पिटल में जाकर के हमने डॉक्टर साहब से राय ली, वो उसके वारसन से पूछा गया कि कोई भी इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट देना चाहते हो, तो उन्होंने कहा हमें कुछ ज्ञान नहीं है, अभी कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं। उसके बाद मधुरूप सोनू को रेफर कनाड़ का कर दिया, कनाड़ जाने के बाद उसको रेफर कर दिया हायर अथॉरिटी का। जो कनाड़ पहुंचे, कनाड़ डॉक्टर साहब ने लिख दिया भाई उसको रेफर टू हायर अथॉरिटी। उसके बाद इनके वारसान से पता किया गया, वारसान ने कहा कि अब यहाँ भी कोई बयान नहीं देना चाहते। जो उसके पता दिनांक 26/4 को उसके चाचा के लड़के विक्रम ले आकर के बतलाया कि सोनू की डेथ हो चुकी है, तो हमने तुरंत इंडिपेंडेंट बयान देने बारे कहने पर विक्रम ने अपना बयान अंकित करवाया। बयान अंकित करवाने के उपरांत जिसके अभियोग अंकित किया गया, अभियोग अंकित करने उपरांत उसका पोस्टमार्टम कर आगे दाह संस्कार वारसान को दिया गया, जिन्होंने दाह संस्कार कर दिया गया, जिसके पश्चात मुकदमा दर्ज होने के उपरांत हमने रणदीप समक्ष समेसी और गौरव को 2 अक्यूट को अरेस्ट कर लिया है, जिनको आज कोर्ट में अपीयर करेंगे। कुल कितने लोगों के नाम मामला दर्ज था सर? जो 4 आदमियों के नाम अंकित करवाए हैं, जिनके बारे में भी गिरफ्तार करके तफ्तीश की जाएगी, और जो सच्चाई होगी वही कार्रवाई में मिलाई जाएगी। सर परिजनों का कहना है कि पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, मामले में उनको टरकाया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सर? तो आपके सामने है जो मैंने बताया आपको, 2 व्यक्ति अरेस्ट कर लिए हैं, जिनको अरेस्ट करने उपरांत आज कोर्ट में अपीयर करके पेश करके उसके पूछताछ में जो भी सामने सच्चाई आएगी वही कार्रवाई में ला जाएगी। किसी को दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा।